पंडित जी ने आने से मना कर दिया। एक काम करते हैं ना, हम लोग वो आपके गिरधारी पंडित को वीडियो कॉल पे ले लेते हैं, वो वहाँ से मंत्र पढ़ देंगे और हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। धन्यवाद, अब आप चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाइए। 50 इंच का A1 मॉडल है, देखिए तो सही। अगर पैसे भरवा करने थे तो मुझसे कहती, मैं नोटों की गड्डी में आग लगा देता, बोन फायर करके हाथ सेकते। अरे शर्मा जी, बॉबी ने खरीदा है आप लोगों के लिए। सभी बच्चे लग रहे हैं, पता नहीं इनके साथ कैसे पढ़ाई होगी। यहाँ तक आई गए तो एक क्लास अटेंड करके देखते, शायद क्लास अच्छी लगे। पापा, आपसे एक बात करनी थी। बोल। वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। ऐसा है बेटा, तू 5 लाख छोड़, तू 5,000 के 15,000 कमा के दिखा दे, तेरे को दे दूंगा। सुन, दोपहर में निकल जाते हैं, मार्केट में रश कम मिलेगा। You don't have to come. We'll manage. मैं तो actually washroom जा रहा था। अरे मुझे कोई गलती हुई क्या? आपको क्या लगता है? नहीं हुई तो है, लेकिन पता नहीं कौन सी वाली। पापा गुड्डू भू आई हैं चाचा के साथ। आप सब तो बाहर बैठा ना। पापा वो अंकल दादी वाला घर बेचने की बात कर रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? अरे तेरे को पैसा चाहिए तो मुझसे बोलना, घर बेचने की जिद क्यों कर रहा है? भाई साहब मैं जिद नहीं कर रहा, और आप अकेले ही सबके लिए फैसले तो नहीं ले सकते ना। मिस्टर शर्मा को एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, उसी वजह से शायद उन्हें सुबह पैनिक अटैक आया है। पापा मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं, उसे पागल नहीं कहलाते। मैं क्लासेस छोड़ रही हूँ। क्लासेस छोड़ रही हूँ? क्यों छोड़ रही हूँ? बॉबी को गीजर ठीक कराने के लिए करीब 4 बार बोला होगा, पर ठीक करा के नहीं दिया नालायक ने। पापा ये लिख के ताने मारना आपने नया शुरू किया ना?